ऑल ऑफ यू, अक्सर ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स अपनी स्किन को लेकर जितनी कॉन्शियस होती हैं, उतने मेल्स नहीं होते, इसलिए एक्ने और पिगमेंटेशन को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए मैं आज अपने चैनल के मेल व्यूअर्स के लिए मेल स्किन केयर लेकर आई हूँ। अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने से पहले आप ये समझिए कि आपकी स्किन अलग है और उसको अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्ने से। मेल्स में स्किन में पोर साइज बड़ा होता है। पोर साइज बड़ा होने की वजह से सीबेसियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, सीबम का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एक्ने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इस डिसएडवांटेज के साथ साथ मेल्स को एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज है ये कि मेल्स की स्किन थिक होती है, इस वजह से मेल्स में स्किन एक्ने को जल्दी हील करती है। इसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो बेंजोइल पेरोक्साइड इंग्रेडिएंट या सैलिसिलिक एसिड इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। अगर आप सैलिसिलिक एसिड सीरम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर शेविंग करने के बाद आपको पिंपल्स हो जाते हैं तो आपको आफ्टर शेविंग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है और आपकी स्किन का लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा आप हॉट टॉवल ट्रीटमेंट का यूज भी कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल जेल या अल्कोहल फ्री टोनर यूज करना भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो थी एक्ने की बात, अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की। मेल्स में पिगमेंटेशन दो वजह से होता है, या तो सन एक्सपोजर से या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है तो आपकी स्किन थिक हो जाएगी और ऑयली हो जाएगी, या फिर अगर सन एक्सपोजर की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है या डार्क स्पॉट हो रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप या तो कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं या रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। कोजिक एसिड यूज करना काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर रेटिनॉल जो कि विटामिन ए की एक फॉर्म है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और रेटिनॉल सेलुलर लेवल पे काम करता है और आपके डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को हील करता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में पिगमेंट फाइटिंग फूड इंक्लूड करने होंगे, जैसे कि एलमंड, योगर्ट, साइट्रस फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजेस। माय मेल व्यूअर्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी किसी भी स्किन प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए, सनस्क्रीन यूज कीजिए। जिस तरह से फीमेल्स अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस होती हैं, आप भी हो जाइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।